हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। आज की जो टॉपिक है वो काफ़ी गंभीर टॉपिक है। मुझे लग रहा था कि क्या मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, क्योंकि इसके बारे में पर्सनली मेरा भी कोई बहुत अच्छा नॉलेज नहीं था, मैं नहीं जानती थी। बट मेरे एक सब्सक्राइबर हैं अजीम जी, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बनाइए। वो हर एक वीडियो के नीचे ये ज़रूर कमेंट करते थे कि उनको सरकमशन के ऊपर एक वीडियो चाहिए। तो मुझे लगा कि मेरे लेवल से मैं जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकती हूँ वो कम से कम उनको ज़रूर डिलीवर करूँ। तो ये सरकमशन है जो, वो होता क्या है, ये प्रोसेस होता क्या है, वो सब मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि ये सरकमशन होता क्या है। सरकमशन एक ऑप्शनल सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें बच्चे की पेनिस का जो फोर स्किन का पार्ट है उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, सर्जिकली रिमूव किया जाता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों किया जाता है। इंडिया में बहुत सारे लोगों का ऐसा बिलीफ है, कुछ ट्रेडिशन है उनकी, कुछ रिलीजियस बिलीफ है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरा जो रीज़न होता है कि इसको कराने से जो यूटीआई है, यानी कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, या फिर कुछ कैंसर कॉजिंग जो रिस्क हैं वो भी बहुत कम हो जाती हैं। आपकी जेनाइटल हाइजीन के भी रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इस सरकमशन के प्रोसेस को किया जाता है। और आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि क्या पीडियाट्रिशियन या फिर डॉक्टर्स इस चीज़ को अलाउ करते हैं। जी हाँ, ज़रूर अलाउ करते हैं। अगर पीडियाट्रिशियन की कंसेंट नहीं रहेगी तो ये सारी सर्जिकल प्रोसेस भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में सर्जिकल प्रोसेस इस तरह की होती हैं। सरकमशन लिटरली किया जाता है, डॉक्टर्स अपने कंसेंट में कराते हैं। अब डॉक्टर्स की हामी है तभी ये चीज़ें होती हैं। और इस चीज़ों में कोई बुराई नहीं है, अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे के लिए चाह रहा है तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ों के लिए मजबूर भी हो जाते हैं, क्योंकि कई बार बच्चों में फिमोसिस जैसी भी सिम्टम्स देखी जाती है। जैसा कि मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था आपको कि फिमोसिस होती क्या है, जैसे बच्चे की फोर स्किन अगर नहीं खुल पा रही है, उसको यूरिनेट करने में प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग हो रही है, या किसी तरह की और इन्फेक्शन है, तो पेरेंट्स फिमोसिस के भी वजह से सरकमशन का सहारा लेते हैं। अब बात ये आती है कि सरकमशन कब किया जाता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, बेबी बॉय की मैं बात कर रही हूँ, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके कुछ देर के बाद ही ये सरकमशन का प्रोसेस किया जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा देर भी हो जाए तो एक साल के अंदर अंदर सेफली इसे करा लेना चाहिए। ये इसकी सही टाइमिंग है कि इस समय तक आपको सरकमशन करा लेना चाहिए। और ये जो सरकमशन का प्रोसेस है, अगर आप कराना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से, अपने पीडियाट्रिशियन से खुलकर ज़रूर बात करें। आपके मन में जितनी भी क्वेरीज आ रही हैं आप उनसे खुलकर बात करें कि इसके क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या इसके बैड कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या गुड कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आप सारी चीज़ों के बारे में खुलकर उनसे बात करें। और ऑपरेशन, ये एक सर्जिकल जो मैंने बताया, एक ऑपरेशन है वो 30 मिनट का प्रोसेस होता है। उसके आपको पहले क्या करना है या उसके बाद क्या करना है, डॉक्टर्स आपको खुलकर इंस्ट्रक्शंस देंगे। और इसके बाद आपको अपने बच्चे की बहुत अच्छे से केयर करनी है। आपको काफ़ी साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज जितना ज़्यादा आप साफ़ सफाई रखेंगे उतना ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। और हील होने में इसे 1 से 2 हफ्ते का समय लग जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस की जानकारी आप डॉक्टर्स या नर्सेस से आप पूरी जानकारी ले लीजिए। आप सब कुछ अगर आपके साथ सही हो, जो आपको अगर लगे कि आपको कराना है तो ही आप इसे करा सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में ये एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है। तो और पेन की मैं बात करूं तो जी हाँ, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये एक पेनफुल प्रोसेस है, इसलिए एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप डॉक्टर से पूरी जानकारी ले लीजिए, अगर आप सेटिस्फाइड हो जाइए उसके बाद आप प्रोसेस के बारे में सोच सकते हैं। तो होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल मेरा पसंद आ रहा है या फिर आप मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए, तो उसकी अपडेट आपको तुरंत मिले और आप तुरंत मेरे वीडियो देख पाओ, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा। और इंस्टाग्राम हैंडल मैंने अपने पूरे स्क्रीन पर दे रखा है, अगर आप चाहो तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रिंस माई वर्ल्ड।